हे गाइस, तो यहाँ पे प्रो कबड्डी सीजन 9 पे 5 बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रो कबड्डी पे भी आप अपडेट्स आए हैं, हेड कोचेस पे अपडेट आया है, स्टार्टिंग डेट पे भी कुछ पता चला है, और यहाँ पे 69 सीनियर नेशनल पे भी एक बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले अपडेट के बारे में बात करूंगा। तो पहला अपडेट आ रहा है प्रो कबड्डी सीजन 9 के स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 9 स्टार्टिंग डेट पे एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर में जो स्टार स्पोर्ट्स में बार बार वो प्रोमो आ रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट से मतलब ये पता चला कि कल यहाँ पे पवन कुमार शेरावत, हाई फ्लायर पवन शेरावत का और कुणाल सलूजा का यहाँ पे चैट हुआ था इंस्टाग्राम में, यहाँ पे लाइव हुआ था। कुणाल सलूजा कौन है मैं आपको बता देता हूँ कि प्रो कबड्डी के होस्ट है कुणाल सलूजा। हमने देखा कि एक मंत्र है, मंत्र के साथ वो होस्ट में रहते हैं प्रो कबड्डी के बारे में। तो उनसे बात हुई थी पवन शेरावत को, तो उनका उन्होंने जब सवाल पूछा पवन को कि प्रो कबड्डी सीजन 9 कब होगा, तो उन्होंने पवन ने कह दिया कि जो स्टार स्पोर्ट्स में जो प्रोमो आ रहा है अक्टूबर से दिसंबर, उसी महीने में हमें प्रो कबड्डी देखने को मिलने वाला है। दूसरा चीज ये है कि महाराष्ट्र का जो स्क्वाड है 69 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए, वो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। तो चलिए मैं आपको स्क्वाड दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे महाराष्ट्र मेंस टीम का स्क्वाड देख सकते हो सीनियर नेशनल्स के लिए। तो यहाँ पे असलम नामदार, आकाश शिंदे, सिदेश पिंगले, राहुल खतिक, अक्षय उगाड़े, शंकर गदई, शेखर तत्कारे, देवेंद्र कदम, अरकम शेख, किरण मगर, अक्षय भोयर और मयूर कदम। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्क्वाड है ये 69 सीनियर नेशनल में महाराष्ट्र के टीम का स्क्वाड रहने वाला है। यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई और महेंद्र राजपूत नहीं है स्क्वाड में। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे अगला अपडेट आ रहा है यूपी योद्धा के हेड कोच के ऊपर। तो यूपी योद्धा ने अपने हेड कोच को रिटेन कर लिया है। जो यूपी योद्धा के जो हेड कोच थे जसवीर सिंह सर, उनको यहाँ पे यूपी योद्धा ने एज अ हेड कोच वापस रिटेन कर लिया है, और उनके साथ जो असिस्टेंट कोच थे अर्जुन सिंह सर, दोनों को साथ में रिटेन कर लिया है। मतलब दोनों का जोड़ी हमें प्रो कबड्डी सीजन 9 में भी देखने को मिलेगा। जसवीर सिंह सर और अर्जुन सिंह सर, दोनों सर को यहाँ पे रिटेन कर लिया है यूपी योद्धा ने एज अ हेड कोच। मतलब लगातार 3-4 सीजन से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, और दोनों को वापस यहाँ पे यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी सीजन 9 में एज अ कोच रिटेन कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे दबंग दिल्ली के हेड कोच के बारे में। तो दबंग दिल्ली ने भी अपने हेड कोच को रिटेन कर लिया है। हम सब जैसे जानते हैं कि लास्ट 3 सीजन से सक्सेस रहे दबंग दिल्ली के के हुड्डा सर को एज अ हेड कोच यहाँ पे दबंग दिल्ली ने वापस रिटेन कर लिया है। हमने देखा है कि कितना अच्छा दबंग दिल्ली ने परफॉर्मेंस किया है। नवीन कुमार को इन्होंने लाया, विजय मलिक जैसे प्लेयर्स को बनाया, प्रो कबड्डी सीजन 8 में दबंग दिल्ली को चैंपियन बनाया, प्रो कबड्डी सीजन 7 में फाइनलिस्ट मतलब फाइनल में गए दिल्ली, और इनके कारण दिल्ली इतना ज्यादा सक्सेस पाया है, और इनको यहाँ पे रिटेन कर लिया है दबंग दिल्ली ने एज अ हेड कोच प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। फिफ्थ एंड द ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ इज दैट मंजीत चिल्लर अब नए टीम के कोच बनने वाले। मंजीत चिल्लर एज अ प्लेयर देखने को नहीं मिलेंगे, इसके जो अपडेट आया मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कल मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था कि मंजीत चिल्लर पे एक अपडेट आ रहा है, वो इंटरव्यू हुआ था, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं एज अ प्लेयर और एज अ कोच कोई भी रोल में देखने को मिल सकता हूँ। मैंने इसके बारे में सोर्सेस से और पता किया है, तो पता ये चल रहा है कि मंजीत चिल्लर ने मतलब एक नए टीम के साथ साइन कर लिया है एज अ कोच। मतलब मंजीत चिल्लर अब एज अ कोच देखने को मिलेंगे प्रो कबड्डी सीजन 9 में। तो ये मैं अपडेट बता दूँ, ऑफिशियल नहीं है, करीब 75-80% कन्फर्म मान लो मंजीत चिल्लर के बारे में आगे बताने वाला हूँ कौन से टीम के यहाँ पे कोच रहने वाले मंजीत चिल्लर। तो मंजीत चिल्लर मतलब मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मंजीत चिल्लर 1-2 सीजन आराम से खेल सकते थे, लेकिन सूत्रों से तो ये पता चल रहा है कि मंजीत चिल्लर सर जो है भाई वो अब यहाँ पे एज अ कोच दिखने वाले। कौन से टीम के देखने वाले मैं आपको कुछ मिनट्स में बताने वाला हूँ, कुछ सेकंड में बताने वाला हूँ। तो मंजीत चिल्लर के बारे में बात करें, तो मंजीत चिल्लर में कौन सी टीम के कोच बनते हुए दिखेंगे, तो मंजीत चिल्लर सोर्सेज से पता चला है कि मंजीत चिल्लर यहाँ पे तेलुगु टाइटन्स के हेड कोच रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, मंजीत चिल्लर यहाँ पे कोच रहने वाले तेलुगु टाइटन्स के लिए प्रो कबड्डी सीजन 9 के लिए। ये एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। प्रो कबड्डी सीजन 9 का ऑक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ऑक्शन का डेट मतलब 29 को होने वाला है, ऑक्शन से पहले यहाँ पे मंजीत चिल्लर को यहाँ पे तेलुगु टाइटन्स ने साइन कर लिया एज अ हेड कोच। ये बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब मैं चाहता था मंजीत एज अ प्लेयर 1-2 सीजन और खेले, लास्ट सीजन कितना अच्छा खेले हम सब जानते हैं, लेकिन अब जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो मानना पड़ेगा। अगर सूत्रों का ये न्यूज़ है, अगर ये सही हो गया, तो मंजीत चिल्लर तेलुगु टाइटन्स के एज अ कोच दिखने वाले। तो ये 5 बड़े अपडेट्स मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा यार ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कितने खुश हैं मंजीत चिल्लर एज अ हेड कोच तेलुगु टाइटन्स के लिए देखने वाले। अगर ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाता है तो आप कितने खुश हैं तेलुगु टाइटन्स के जितने भी फैंस हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा।